ढाई लाख पुलिस जिस प्रदेश में हो और उस प्रदेश से आतंकवादी आठ लोगों की मौके पर सिपाही को शहीद करता हो, दो अस्पताल में अपना दम तोड़ देते हो, उस ऐसे विकास दुबे को पकड़ने में नाकाम उत्तर प्रदेश की ढाई लाख पुलिस आज अपनी पीठ थपथपा रही है। और वो जिस तरह का घटनाक्रम शुरू हुआ है 2 तारीख से लेके आज तक, उस घटनाक्रम में आप देखेंगे तो पूर्ण रूप से उसको बचाने की कवायद सरकार के तरफ से पूरा हुआ। अब 3 साल से उसके खिलाफ 150 मुकदमे लिखे गए हैं, अब धीरे धीरे राज खुल रहा है ना, 150 मुकदमे लिखे गए, 65 मुकदमों का खुलासा सरकार ने किया और 65 मुकदमा जिसके ऊपर हो उसको हिस्ट्री सीटर नहीं बताया गया। पुलिस के ऊपर कोई पत्थर फेंक देता है तो उसको आतंकवादी बता दिया गया, क्योंकि वो मुसलमान था। अब ये हिंदू था, 10 जवानों को शहीद कर दिया पुलिस के, तो इसको अभी गैंगस्टर बताया जा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। विकास दुबे के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, हम 2017 जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, ये भारतीय झूठ पार्टी की, तब से आप देखिए 3 साल में एसएसपी उसका संरक्षण कर रहा था, दरोगा उसका संरक्षण कर रहा था, सारी बात का खुलासा धीरे धीरे वो खुद विकास ने ही खुद बताया। उसके बाद आपने देखा कि उसको बचाने के लिए खुद वो बयान दिया है कि विधायकों, बीजेपी के विधायक मदद करते हैं, मंत्री मदद करते हैं, सरकार मदद करती है। तो जब 3 साल तक आप उसको सेफ रखे हैं, जब वो सरकार की किरकिरी होने लगी कि जब वो, आप बताइए कि 800 किलोमीटर कानपुर से उज्जैन है, कभी टीवी पे चलता है कि वो फरीदाबाद में है, तो फरीदाबाद से वो कैसे गया? क्या इतने वो इतने चेक पोस्ट हैं, पुलिस 2.5 लाख पुलिस है उत्तर प्रदेश में और इसकी निगाह नहीं पड़ी? पैदल तो गया नहीं, पुलिस ने सहयोग किया, बिल्कुल 100% सहयोग किया, जिसका खुलासा पुलिस ही खुद कर रही है। अभी आपने देखा कि सरकार ने ही जो एसटीएफ के डीआईजी लखनऊ को हटाया, इसी वजह से ना हटाया कि ये जब कानपुर में एसपी थे तो इन्होंने उसकी मदद की। जब सीओ बार बार कह रहा था तो सीओ की बात नहीं माना, वो वहां के चौबीपुर के यशो की मिली भगत से उसको संरक्षण मिलता था। विकास दुबे ने खुद कहा कि लॉकडाउन में हमने पूरे थाने को, पूरे पुलिस वालों को मदद करते रहे। तो ये जब खुलासा होने की बात आई तो ये आक्रोश में उज्जैन कैसे पहुंचा? उज्जैन पहुंचने के बाद आपने देखा कि वो 2 घंटे तक फोटो खिंचवा रहा है। अगर उसको भागना होता तो फिर वो उज्जैन महाकाल मंदिर में क्यों जाता? 2 घंटे के बाद वो बाकायदे जो है अपना वो सिस्टम में आता है, सिस्टम में आकर के वहां पर्ची कटवाता है, माला फूल लेता है, फिर दर्शन करता है, फिर वहां के जो सुरक्षा कर्मी है महाकाल के प्राइवेट, उन लोगों ने पहचाना, कोई नाम है शायद नंदलाल यादव, वो जब चिन्हा पहचाना तब वो लड़का जो है बताया, वो फोन किया कि इस तरह का यहाँ हो रहा है। उसके बाद तो फिर वो लेके उसके साथ, आप देखेंगे जो टीवी पे दिखाया जा रहा है, आराम से वो सुरक्षा कर्मियों के साथ, जो प्राइवेट सुरक्षा कर्मी है उनके साथ आराम से वो आ रहा है थाने जाने के लिए। फिर तब पुलिस पहुंचती है तो जब उसमें झड़प हो जाती है प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों से तो फिर पुलिस वहां पहुंच जाती है। सवाल होता है कि पुलिस उसको भगाने में उज्जैन तक मदद भी करती है और ले आकर के ये एनकाउंटर भी कर देती है, ये क्या है? देखिए, जिस तरह का बयान उन्होंने उज्जैन में दिया उसमें कहीं ना कहीं पूरी सरकार घेरे में आ गई, केंद्र और प्रदेश, बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी पूरी घेरे में आ गई। इसको लेकर के अब उस किरकिरी होनी थी, आज वो बहुत से खुलासा कोर्ट जाता है और खुलासा करता, तो इससे वो खुलासा न हो, अब सरकार की मजबूरी हो गई कि अगर ये जिंदा रहेगा तो सरकार की किरकिरी होगी, इस नाते ये सब ड्रामा हो रहा है। अब तक ड्रामे ही होते आ रहे हैं। कुछ नेताओं का भी बर्दाश्त था इससे? बिल्कुल 100%, वो खुद कबूल करता है कि विधायक, अब जो गाड़ी तोड़ी गई है, पुलिस ने जो गाड़ी तोड़ा है, क्या वो गाड़ी के संबंध में जानकारी पुलिस ने दी? किसकी गाड़ी थी, किसके नंबर से? मंत्रियों ने उसको गाड़ी डोनेट किया है,
जो बातें उभर के आ रही हैं, मंत्रियों ने उसको गाड़ी डोनेट किया है, गाड़ी इस नाते तोड़ दी गई कि कहीं गाड़ी से खुलासा मंत्री न फंसे, जो विधायक न फंसे, राजनेता न फंसे, इस नाते उसकी गाड़ी तोड़ दी गई। कैसे खुलासा होगा, कानून रूप से क्या करना पड़ेगा? देखिए, अब तो जो सरकार की पॉलिसी है, ये पहले तो ये अपराधियों को बच पालते हैं, जब अपराधी ही इनके किरकिरी बनते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि कहीं अब हमारा पोल न खुल जाए, तो फिर ये काउंटर करते हैं। हम चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण का सीबीआई भी तो तोता है, सरकार का तोता है, हाई कोर्ट के वर्तमान जज से इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए, तभी खुलासा हो सकता है। नहीं तो जैसे पिछली सरकार ने भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया कि सीबीआई तोता है, तो क्या उस पर भरोसा किया जाए सीबीआई पे? अभी सीबीआई में आपने देखा कि आपस में मारपीट हो गई, दो गोल हो गई, तो उन पे भी भरोसा नहीं है इस सरकार में। इस सरकार में कोई न्याय की उम्मीद न करे कि हमको न्याय मिलेगा। न्यायपालिका पर भी सवाल उठ रहा है कि न्यायपालिका तक पहुंचने नहीं दिया गया और उसको बीच में भाई सामने है ना, जब सरकार की पॉलिसी है कि ठोको वाली पॉलिसी है, जब आप वो सिलेंडर हुआ तो उसको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, वहां कोर्ट पहुंचना चाहिए। लेकिन सरकार की पॉलिसी देखिए, जब सरकार की जो भी सही बात पत्रकार दिखा रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है। 62 मेरे संज्ञान में है, चाहे वो फतेहपुर का मामला हो, जल सत्याग्रह करना पड़ा पत्रकार भाइयों को, चाहे मिर्जापुर का मामला हो, चाहे बनारस का मामला हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे बलिया का हो, चाहे मऊ का हो, चाहे आजमगढ़ का, 62 मेरे सामने ऐसे सबूत हैं, जो सही बात कहा तो पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। आपने देखा कि अहमदाबाद में हाई कोर्ट के जज ने खाली इतना कह दिया कि जो वहां अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल, जो एशिया का नंबर एक हॉस्पिटल है, उसको जो उसके विषय में जब वहां 300 से ज्यादा लोग पेशेंट मरे हैं, तो कोर्ट ने सिर्फ इतना कह दिया कि ये अकाल कोठरी है, सुबह उसकी छुट्टी हो गई, वहां से उस ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी आपने देखा कि जिस जज ने मंदिर के मुद्दे पर, कई मुद्दों पर फैसला सरकार के पक्ष में दिया, आज वो राज्यसभा बन गया, तो कैसे उम्मीद किया जाए? अब तो हर जज अपने को राज्यसभा जाने के लिए, टिकट लेने के लिए, अब तो वो काम करेगा सरकार का, तो कैसे उम्मीद किया जाए? सिटिंग जज से ही फैसला हो सकता है, ये हो ही रहा, देख नहीं रहे हैं क्या वजह है? आज देश की राजनीति में पहला इतिहास है कि जिस जज ने बीजेपी की बात मानी, उस जज को राज्यसभा बना दिया गया। ये इतिहास ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन प्रदेश में तो कानून व्यवस्था की दुहाई दी जा रही है। देखिए, कानून व्यवस्था कोई दिन ऐसा नहीं, अभी 10 दिन के अंदर 62 हत्या हुई है उत्तर प्रदेश में, 10 दिन के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं कि हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं ना हो रही हों। गरीबों के मुकदमे, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित समाज के मुकदमे थाने में नहीं लिखे जा रहे हैं, डांट के भगा दिए जा रहे हैं। अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है, जिसका उदाहरण अभी विकास दुबे था। ऐसे अभी बलिया की घटना बताऊं, सरकार अपराधियों को बचाने में लगी है। बलिया में इसी तरह की घटना, सीओ बनाम एसओ, एसपी ने बात को नहीं माना, सीओ को, एसओ की बात माना, चूंकि लेन देन उनसे होता रहा। उसी तरह का बलिया का भी पूरे, चाहे बलिया हो, चाहे बांदा हो, चाहे हमीरपुर हो, जहां जहां खनन का काम हो रहा है पूरे प्रदेश में, आपको बता रहा हूं, वहां विवाद चल रहा है। बलिया मैंने देखा कि एक थाना है आपका कोपाचेट, वहां सीओ और एसओ में झड़प हो गई, मामला उठा था, फिर बड़े अधिकारी जाके समझा दिए क्यों झगड़ा हो रहा, लेन देन का, तो नीचे से लेके ऊपर तक सब रिश्वतखोरी हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में जो नारा देकर के बीजेपी आई थी, भारतीय झूठ पार्टी, कि ना भ्रष्टाचार ना गुंडा राज, अब ना हट गया, सरकार पाते ही ना हट गया, भ्रष्टाचार चरम पे है, कोई विभाग, 95 विभाग में कोई विभाग नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार ना हो। और गुंडा राज तो आप देख रहे हैं कि आम आदमी सुरक्षित नहीं है, पुलिस नहीं सुरक्षित है। कल तक अपराधियों का काउंटर पुलिस करती थी, लेकिन बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी की सरकार में अब अपराधी काउंटर कर रहा है पुलिस का, आपके सामने प्रमाण है, अब इससे ज्यादा सबूत हम क्या दे सकते हैं? तो जब पुलिस नहीं सुरक्षित, जो हमारी सुरक्षा के लिए लगी, वो खुद नहीं सुरक्षित है। अभी आपने देखा बनारस का,
बनारस में बीजेपी के लोगों ने पुलिस वालों को मारपीट की, अगर उसमें मुकदमा लिख दिया तो एसपी की छुट्टी हो गई। यह है सरकार का खेल। आपने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती, जब वहां का एसएसपी खुलासा किया कि 8,000-10,000 रुपया जांच मिली, 8,000-8,10,000 रुपया लेके भर्ती हुई, तो जब पुलिस ने खुलासा किया एसपी ने, और जब जो असली मुजरिम थे जो बीजेपी के मंत्री और विधायक और आरएसएस के जो अधिकारी अपने को बताते हैं, ऐसे लोगों के गृहबान जब वो पकड़ने की तैयारी में था, तब उसकी 1 बजे रात उसको हटा दिया जाता है, चूंकि रात को दबिश बनाया था गिरफ्तारी करने के लिए, उसको हटा दिया जाता है। अब इससे बड़ा सबूत सरकार को हम क्या दें? ये भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। अभी कानपुर बालिका गृह का देखिए, जब उसका खुलासा करने के लिए जिस अधिकारी ने शुरू किया, जब वो खुलासा शुरू किया तो उसको हटा दिया। कोई भी इनके कारनामे को सच्चाई अगर करना चाहेगा तो उसको खत्म हटा दिया जाएगा। उसी तरह जब विकास दुबे ने इनका पर्दा खोलने का जो इन्होंने कृत्य किया था, जो उनके लोगों ने उनके साथ किया था, जब उसका खुलासा होने को हुआ तो आज ये ड्रामा हो गया। ये ड्रामा ही है कि असली में गाड़ी पलट गई और देखिए उसको तो मारा गया है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कि हमारा खुलासा ना हो, इस नाते ऐसी घटना की गई है। अपराधी था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी। जब वो गिरफ्तार हुआ है तो उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए, कानून के दायरे में। आप उसको फांसी देते, अगर दम है सरकार के पास तो उसको आतंकवादी पहले क्यों नहीं घोषित किया? अगर कोई मुसलमान, इस देश में कानून है कि मुसलमान अगर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक दे तो वो आतंकवादी हो जाएगा, अगर कोई हिंदू 10 पुलिस की गोली से भून दे तो गैंगस्टर हो जाता है, वो गैंगस्टर माना जाता है उसको, बाहर देश, बाहर प्रदेश, बाहर सरकार। इसको तो उसी दिन आतंकवादी घोषित करना जिस दिन उन्होंने 8 सिपाहियों को शहीद किया था, लेकिन ये सरकार नहीं, सरकार उसको गैंगस्टर ही सुनाते कि वो हिंदू था, अगर मुस्लिम होता तो पूरे देश में आतंकवादी बता दिया गया।